ओके, तो फिर से लैपटॉप वाली वीडियो के अंदर इनफिनिक्स वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि सेल स्टार्ट हो गई है, तो फाइनली कौन सा बेस्ट लैपटॉप है अंडर 30,000। तो देखो, मैंने सेल शुरू होने से पहले ही जिस दिन डील्स रिवील हुई थी उसी दिन वीडियो डाल दी थी रेडमी बुक की डील शो हो रही थी 31,900 में, और फिर उस पर कार डिस्काउंट लग के वो अंडर 30 आ जाती। तो शॉर्ट में आपको आंसर मिल गया, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, लैपटॉप लेने समय आपको क्या देखना है, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और ज़्यादा लाइफ भी लगती है। जैसे एक बार में अगर आपको लगी तो मतलब, और ये बेस्ट टैबलेट भी है, मैं यही सब चेकआउट कर रहा हूँ, लेकिन आप बात पे ध्यान दो। तो उसमें आपको एक्सपेंडेबिलिटी देखनी होती है। इन्फिनिक्स लैपटॉप में दो मेजर प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट को सूट नहीं करती है। पहली कि उसमें एक्सपेंडेबिलिटी नहीं है, कोई रैम वैम आप बढ़ा नहीं सकते, बाद में कुछ करने का मन है कुछ नहीं कर सकते, जैसा लैपटॉप मिला वैसा ही वो रहेगा, ठीक है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें एमएस ऑफिस जो है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है, फुल वर्जन आपको ऑनलाइन वर्जन से काम चलाना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल नहीं है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप हमेशा तो ऑनलाइन नहीं रहते ना, और ऑफलाइन वेरिएंट का जो मज़ा है वो अलग है, ठीक है। एसस हो गया, लेनोवो हो गया, एचपी हो गया, ये तीनों ब्रांड 30-32,000 के अराउंड में i3 10th Gen के साथ साथ एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड दे रही है, ठीक है, ऑफिशियल। और रेडमी बुक जो है वो तो i3 11th Gen के साथ आपको दे, समझ रहे हो? तो होप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये एक्सपेंडेबिलिटी भी इन सारे लैपटॉप्स में मिल जाती है, जिसका जिसका मैंने नाम लिया आप कोई भी चेक कर सकते हो। एक्सपेंडेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, ये सब में है, मैंने बता दिया आपको। एसस, एचपी, लेनोवो, इसके जो 32,000 के अराउंड के लैपटॉप हैं, अगर आपको मॉडल नेम जानना है तो HP 15S या 14S करके मॉडल आता है, सिल्वर सिल्वर से, पूरे सिल्वर सिल्वर कलर का, थोड़ा प्रीमियम भी लुक आता है। एसस का वीवो बुक 14-15, वही 14-15 समझे हो ना, स्क्रीन साइज का डिफरेंस। और लेनोवो में भी आइडिया पैड वही 14-15 ऐसा ही कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है। अगर वो सब i3 10th, सबके बीच सब कुछ कॉमन है, यूजुअली कॉमन ही रहेगा क्योंकि वही रेट पड़ जाता है, तो i3 10th Gen मिल जाएगा, उसके साथ आपको प्री इंस्टॉल्ड एमएस ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है, और एक्सपेंडेबिलिटी भी मिल जाएगी, आप बाद में चाहो तो कुछ बढ़ा सकते हो। रेडमी बुक में क्या फ़ायदा है कि रेडमी बुक 15 में आपको 30,000 के एक तो अंडर अंडर प्राइस भी हो जाती है, क्योंकि वो सब 32,000, तो मतलब खैर छोड़ो, प्राइस का छोड़ दो, सबसे बड़ा है कि i3 11th Gen आपको मिलती है, जो कि 10th Gen से बेटर है, ठीक है, और एक्सपेंडेबिलिटी तो मिलती। शॉर्ट ही रखते हैं ताकि आप लोग भी क्लियर हो। और ये बेस्ट टैबलेट है, मैं टैबलेट चेकआउट कर रहा था, तो अगर किसी को बेस्ट टैबलेट देखना था 25,000 के अंडर तो ये है, और अगर आपको 20,000 के अंडर कुछ देखना और आप वेट कर सकते हो तो रियलमी पैड एक्स लॉन्च हो ही रहा। चलो फिर, बाय।